नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, ये नोटिफिकेशन है नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से, जहां पर प्रवेक्षक यानी कि टाउन प्लानिंग के लिए यहां पे एक नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। और ये नोटिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल्स यानी कि संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है योग्यता, क्या है सिलेबस, चयन का प्रक्रिया क्या होगा, इन सब के बारे में सारी डिटेलिंग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है ऑफिसर बनने का। जी हाँ, चूंकि ये नोटिफिकेशन बीपीएससी जो है 67वीं बीपीएससी में क्यों नहीं डाला, इसमें जो है क्या कारण था कि इसको अलग रखा गया है और इसके एग्जाम अलग से लिए जाएंगे और इसका रिजल्ट भी अलग से दिया जाएगा, तो आखिर क्यों, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा जो भी छात्र यहाँ पे नए हैं। और अगर हाँ, बिहार 67वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग जुड़िए अनअकैडमी पे। अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से। और वहां पे आप 16 मार्च को एक वेबिनार अटेंड करेंगे, जहां पे बिहार के टॉप एजुकेटर आपको एजुकेट करेंगे और इसके बारे में सारी डिटेलिंग करेंगे। इनफैक्ट आपको बताएंगे कि बीपीएससी की परीक्षा कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या मॉड्यूल शेड्यूल कर रखना चाहिए आपको, अपने परीक्षा की तैयारी को लेकर कैसे नोट्स बनाना चाहिए, हर वो टॉपिक पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं। एक अवसर है आपके पास यहाँ पे, चूंकि देखिए प्राइसेस तो हाइक हो गए हैं, बट यहाँ पे आपके पास एक अवसर है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल फ्री दिया जा रहा है। तो आप लोग एक रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा जितेंद्र 10, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा साथ साथ में, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप सीधे लिए चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन अपडेट पे, जहां बीपीएससी ने जारी किया है इसकी वैकेंसी का अपडेट, जिसके लिए आपको यहां पे मिलेगा सैलरी 50,000 रुपए। दोस्तों सीधे लिए चलते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां बीपीएससी ने जारी कर दिया है ये नोटिफिकेशन। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे 11 मार्च को ये अपडेट किया गया है इस नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ये वैकेंसी है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की, यानी कि प्रवेक्षक की नई नियुक्ति है और ये टाउन प्लानिंग के लिए अपडेट की गई है। तो क्या है इसके बारे में सारा डिटेल जानेंगे। इसके बारे में एक शॉर्ट नोटिस भी दिया गया है, इनफैक्ट इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या आप लोग नोट करके रख लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। पता नहीं, हो सकता है कि लंबा प्रोसेस चले इसका और आप लोग की जो नियुक्ति है वो काफी समय लगा दे। तो मैं इसके नोटिफिकेशन को देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ और आप लोग भी इसको डाउनलोड एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए सारी वैकेंसीज के अपडेट बताता हूं। तो सबसे पहले तो विज्ञापन संख्या 3/2022 के तहत नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से बिहार के अंतर्गत सहायक नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग में प्रवेक्षक के कुल 107 पदों की ये वैकेंसी नियुक्ति की गई है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से आवेदन करना है, तो ये जो डेट निर्धारित किया गया है यहाँ पे वो 15 मार्च से, यानी कि 15 मार्च से इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे और ये अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके आप यहाँ से आवेदन भी कर सकेंगे। ओके, तो ये तो डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चूंकि ये आपको वैकेंसी जो है निकाली गई है दोस्तों नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से प्रवेशक की नियुक्ति है, जिसमें कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो सीट मेंशन किया गया है आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। 107 पदों की टोटल वैकेंसी है, वहीं महिलाओं के लिए 35 सीट यहाँ पे आरक्षित भी की गई है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में 43 सीट है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, समझ गए, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है बिहार की नियुक्तियां। वैसे इसी पोस्ट के लिए आप जो सभी छात्र, लेकिन जो बिहार के छात्र हैं वो इन सभी पदों के लिए कैटेगरी वाइज जो है यहाँ से आप अपना नियुक्ति आवेदन करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 2 सीट यहाँ पे उनके लिए भी रिजर्व रखा गया, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स हैं और उनके लिए अपडेट दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दिव्यांग कोटे से छात्र आते हैं यानी कि पीएच कैटेगरी से, उनके लिए भी सीट यहाँ पे आरक्षित रखे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे सैलरी की बात की गई थी, जो कि 7CPC के तहत आपको यहाँ पे सैलरी अपडेट की जाएगी। तो 7CPC के तहत जो है, और ऑफिसर ग्रेड की जो वैकेंसी है यानी कि अधिकारियों की वैकेंसी है, तो 35,000 तो आपको सैलरी मिलती है, प्लस में अलाउंस DA TA वगैरह मिलके लगभग 40,000 से 50,000 की सैलरी आपको अपग्रेड की जाएगी यहाँ से, जो कि आपको मिल सकेगी। दोस्तों शैक्षण अर्हता क्या है आपकी, तो किसी भी परिणित विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो देखिए ये मैंने क्यों बोला आपको कि बीपीएससी 67वीं में इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन मतलब जो योग्यता है ये खोजी जा रही है यहाँ पे,
और जब बीपीएससी में आवेदन करते हैं तो उसके लिए सभी छात्र आवेदन करते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं। बट यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है आपका, यहाँ पे मांगा जाएगा कुछ स्पेशलाइजेशन में, जैसे कि प्लानिंग में मांगा गया है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कर रखा है आपने यहाँ पे कोर्स इन द रिमोट सेंसिंग में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। और यहाँ पे जीआईएस, जो कि आपको बता दें कि स्पेशलाइजेशन इन द अर्बन एंड द रीजनल स्टडी आपने कर रखी है, मास्टर इन प्लानिंग कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं, मास्टर इन टाउन प्लानिंग कर रखा आपने तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर मास्टर इन रीजनल प्लानिंग कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग कर रखा है या मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग, या फिर समकक्ष इनके समतुल्य को योग्यता आपके पास है तो आप इधर आवेदन करेंगे। लेकिन इन सभी के योग्यताओं को एक बार आप जरूर कैटेगराइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इन्हीं लोगों के लिए निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जो नोटिफिकेशन पे जो अगला अपडेट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके लिए आपको और क्या अपडेट किया गया है। तो एज क्राइटेरिया को देख लेते हैं, 21 साल से लेकर 37 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे, जो कि यहाँ से अनारक्षित और पुरुषों के लिए है, और जो आरक्षण में आते हैं छात्र उनके लिए भी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, 42 साल तक एज क्राइटेरिया मैक्सिमम रखा गया है। ओके, आरक्षण की बात देखेंगे, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, तो वहां से आपको एज रिलेशन मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट इंडियन रूल। और चयन का प्रक्रिया क्या है, तो विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध में यहां पे जो भी उम्मीदवार सुयोग्य यानी कि एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा आपका, जिसमें कि उसके बाद आपको इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। तो चयन प्रक्रिया का आधार यही है यहाँ पे जो रखा गया है, रिटन टेस्ट में आपको है, लेकिन आपको उम्मीदवारी प्रूफ करने के लिए यानी कि पासिंग मार्क्स के लिए इतना अंक लेकर आना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। ये सब बातों की बातें हैं एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो कट ऑफ भी निर्धारित किया जाता है यहाँ पे, तो कट ऑफ के ऊपर ही आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर निर्धारित करता है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा दो पत्रों की होगी, पेपर वन में आपको अनिवार्य होगा कि वैकल्पिक होंगे वो पेपर, और सामान्य अध्ययन जो कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और एक वैकल्पिक पत्र आपको चूज करना होगा जो कि प्लानिंग अथवा यहाँ पे जो आपके स्टडी है, मतलब रिमोट सेंसिंग हो सकता है, जीआईएस हो सकता है, या फिर जो भी आपने स्टडी किया है पीजी या अपने बैचलर डिग्री में, इन सभी नोटिफिकेशन को लेकर उसका एक अलग से वैकेंसी, उसका जो एग्जाम होगा। तो सामान्य अध्ययन में 2 घंटे का पेपर होगा, 125 प्रश्न होंगे और कुल अंक 100 नंबर का होगा, ये एग्जाम पैटर्न है आपका। और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों जो कि नेक्स्ट वैकल्पिक पेपर का, तो आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के लिए जो होगा पेपर, जो कि स्पेशलाइजेशन होगा अर्बन एंड द रीजनल स्टडीज को लेकर, 2 घंटे का पेपर होगा, 125 आपके प्रश्नों की कुल संख्या होगी, और 100 नंबर का ये भी पेपर होगा, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा, ये ध्यान रखेंगे। वैकल्पिक विषयों में किसी एक विषय का चयन आपको करना है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, और विषय का स्तर जो है आपके जो पाठ्यक्रम है आयोग के द्वारा आपको ने पढ़ा होगा तो वो वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है, देखिए मैंने आपको दिखलाया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है सिलेबस भी आपका मेंशन कर दिया गया है, या फिर आप यहाँ सिलेबस वाले कॉलम में जाके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदन ज़रूर करेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो मेरिट के आधार पे, जो भी मेरिट बनेगा छात्रों का इस एग्ज़ाम के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, और आरक्षण के जो लाभ उठा सकते हैं छात्र उनको जो बिहार से हैं वही उन्हीं को मिल पाएगा। और यहाँ पे आपको जब आप आवेदन करेंगे उसके दौरान आपको बताना होगा आप किस कैटेगरी से आते हैं, उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो आप अपने पिता के घर का ही आप डोमिसाइल लगाएंगी कि वहाँ के आप मूल निवासी हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। पिछड़ी जाति अन्य अत्यंत पिछड़ी जाति से अगर आते हैं आप लोग या क्रीमी लेयर से, तो आपको अपना जो है यहाँ पे स्थायी अधिवास अंचल राज्य सरकार के द्वारा अंचल स्तर पे जो दी जाती है, अधिसूचित की जाती है राजस्व अधिकारी के द्वारा, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, इस चीज़ को लेकर ये अपडेट किया गया है दोस्तों। तो ये हो गया आरक्षण को लेकर दोस्तों, यहाँ पे जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, और इसको आप लोग जरूर चेक लीजिएगा जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है इसके लिए आप जो है ऑनलाइन जो है जो फॉर्म है जो छात्र यहाँ पे भरेगा वो देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ, 15 मार्च से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, 6 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, 20 अप्रैल तक आयोग को वेबसाइट पे जो जाके आप जो एड्रेस दिया गया है उस वहाँ पे आपको 20 अप्रैल तक ये स्पीड पोस्ट के जरिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट भी करना है, तो ये आपका आवेदन करने का प्रोसेस हो गया। लेकिन बाकी ऑनलाइन ही आप आवेदन कर लीजिएगा, और आवेदन करने के बाद एक लिफाफे में सारा डिटेल भर के आपको भेज देना होगा।
पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पेमेंट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। हो सकता है अगर साइबर कैफे से भी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आवेदन करने की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया मैंने बता दी आपको। सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका जो सिलेबस मेंशन किया गया है इस एग्ज़ाम को लेकर, और आपके जो पत्र होंगे उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मेंशन कर दिया गया। और ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ भी जुड़िए और वहाँ भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है इसकी एग्ज़ाम क्राइटेरिया को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आप लोगों के लिए यहाँ पे सारा डिटेल जो मैंने दिया है एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि बीपीएससी के साइट से अपडेट किया गया है। जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनका अपने पास फोटो, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीस कितना लग रहा है भाई यहाँ पे। तो देखिए जो बीपीएससी लेती है 750 रुपये प्लस यहाँ पे जीएसटी चार्ज आपका लगेगा, जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति से या अनुसूचित जाति से आते हैं उनसे 200 रुपये लग रहे हैं, लेकिन जो अदर कैटेगरी में है और अदर स्टेट से हैं 750 रुपये देंगे यहाँ पे भाई, ठीक है। अन्य सभी उम्मीदवारों से 750 रुपये लिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो दिव्यांग कोटे से आते हैं उनसे भी 200 रुपये लग चार्ज यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। महिला हैं छात्रा जो कि बिहार से हैं उनसे भी 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो भाई महिलाओं पे और दिव्यांग कोटे वाले छात्रों को यहाँ पे आरक्षण मिल रहा है फीस को लेकर भी, तो वो छात्र और छात्राएं यहाँ पे पेमेंट करेंगे अपना ऑनलाइन प्रोसेस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको हर वो डिटेल दे दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है एग्जाम पैटर्न को लेकर या सिलेबस को लेकर या फिर आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।